डेफिनेटली, क्योंकि ये इंडिया की डिश है और हम पहले सिर्फ फिल्मों वगैरह में सुनते थे, और अब देखे ना मैं गार्डन टाउन से यहाँ पर 20 किलोमीटर से ड्राइव करके आया हूँ, तो बहुत ही कमाल की लगी। दूर से आप यहाँ पर वड़ा पाव खाने आई हैं? तकरीबन मुझे एक घंटा लगा आपको वड़ा पाव। बहुत डिलीशियस है, बहुत मजे का है। मैं सबको कहूँगी कि एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि एक इंडियन डिश है, मैं टीवी पे ही देखती थी। से आए हैं स्पेशली वड़ा पाव खाने के लिए। कैसा लगा यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा है। मेरा एक इंडियन सीख दोस्त था, ये आइडिया सारा मुझे उसने दिया था, इंडियन सीख दोस्त। दोस्तों, जो पाकिस्तानी भाई पहले इंडिया के बारे में बुरा भला बोलते थे, वो अब जो है इंडिया के खाने के पीछे पड़े हुए हैं। भाई पहले तो पाकिस्तान के जो है बकरे खाते रहते थे, बकरों के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन अब जो है वो इंडिया के वड़े पाव के पीछे पड़े हुए हैं, और कैसे उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें मिले और हम खाए। भाई तो चलिए वीडियो में देखते हैं। कितनी दूर से आप यहाँ पर वड़ा पाव खाने आई हैं? तकरीबन मुझे एक घंटा लगे ड्राइव का। काफी दूर से आई, लेकिन अभी रिंग रोड से आई तो एक घंटा लगे। मैं काफी दूर से आई हूँ सिर्फ वड़ा पाव खाने। ऐसा लगा आपको वड़ा पाव? बहुत डिलीशियस है, बहुत मजे का है। मैं सबको कहूँगी कि एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि एक इंडियन डिश है, मैं टीवी पे देखती थी, मतलब मूवीज वगैरह में, या मैंने फेसबुक पे देखती थी, तो मैंने सोचा हुआ था मैं जाऊँगी, लेकिन इतनी दूर आना था मुझे पता नहीं था, बट मुझे लगा है कि दूर आना बेहतर हो गया, क्योंकि बहुत मजे की डिश है। दीदी मुझे बताइएगा वड़ा पाव कैसा लगा? वड़ा पाव बहुत ही कमाल की चीज लगी है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब से वीडियो देखकर गार्डन टाउन से यहाँ पर आया हूँ, और मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं, और मजीद खाने के लिए भी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो टेस्ट बहुत कमाल का था, और जैसे कि हम टीवी फिल्मों में सुनते हैं, तो इसका क्रेज भी बहुत था। तो इंडियन डिश है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि इंडियन डिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। डेफिनेटली, क्योंकि ये इंडिया की डिश है और हम पहले सिर्फ फिल्मों वगैरह में सुनते थे, और अब देखे ना मैं गार्डन टाउन से यहाँ पर 20 किलोमीटर से ड्राइव करके आया हूँ, तो ये इस वजह से भी है कि पहले हमने सिर्फ जो टीवी पर देखा है वो रियल में खाने को मिल रही है। इसकी प्राइस बड़ी मुनासिब लगी है मुझे, और टेस्ट भी अच्छा, पेट भी भर जाता है, प्राइस भी मुनासिब है, इस पर क्या कहें? नहीं, प्राइस मेरे ख्याल से इसकी इतनी होनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा इतने आइटम्स नहीं है जिसकी इसके प्राइस बहुत ही ज्यादा रखी जाए, प्राइस वो आइटम्स के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब है। इसके अलावा कौन सी इंडियन डिश खाना पसंद करेंगे इन फ्यूचर आप? मैं वो एक भाजी पाव है, इस तरह की कोई डिश करना, भाजी पाव भाजी, पाव भाजी, तो वो खाना चाहूंगा। हम जोहर टाउन से आए हैं स्पेशली वड़ा पाव खाने के लिए। कैसा लगा यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा है। पहले जस्ट एक हुआ करता था, अब काफी ज्यादा रेडियां लग चुकी हैं। अच्छा, वड़ा पाव जो है ये एक इंडियन डिश है, और हमेशा मूवीज में ही सुनते थे कि वड़ा पाव भी कोई डिश होती है, तो कैसी आपको इंडियन फूड कैसा लगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया? पाकिस्तान में बस अच्छा लगा तो हमारे है ना। अब यहाँ पर वड़ा पाव खाने कहाँ से आए? मैं जी DHA से आया हूँ, लेकिन ये कि मुझे पता पहले चला था, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ऑनलाइन ये किया था, इसका बताया था, अली रहमान का उनका अपना पेज है इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली ही इज़ द वन हु लॉन्च्ड हिम, ये मोहसिन जो है उनको, और मैं अभी उन्हीं को मैसेज बल्कि इसी के बारे में कर रहा था, बिकॉज आई डिडंट ट्राई दैट सिंस दैट टाइम, लेकिन अब मैंने सोचा कि आऊँ जरा देखूँ कैसा टेस्ट है। आपने टेस्ट नहीं? मैंने एक दफ़ा किया है, लेकिन घर डिलीवर करा के उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, आई थिंक जब आप प्रैक्टिकली खुद आके देखते हैं तो वो फर्क पड़ता है। एक इंडियन डिश है वड़ा पाव, हमने हमेशा मूवीज में ही देखी थी, अब इंडियन फूड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो कैसा लगा आपको? वेल, इट इज़ अ टेम्पटेशन, कि मतलब हमें खुद नहीं पता, हमें तो पता नहीं है कि क्या ये चीज़ होती है, हमें तो ये पता है बन है, उसके अंदर एक कबाब है, अब देखते हैं कि उसका फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, लेकिन जब इतने ज़्यादा देखा है लोगों को, और लोग इतना स्पेशली दूर दूर से आ रहे हैं, दो दो ढाई ढाई घंटे के डिस्टेंस, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि अगर मैं DHA में हूँ मैं जरूर आऊँ देखने। आपने कोई कभी इंडियन फूड ट्राई किया, इंडियन डिश? नहीं, मैंने नहीं कोई किया, बट ये मेरे लिए ज़्यादा टेम्पटिंग था नाम की वजह से। जी बिल्कुल, हम तो बिरयानी ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं मैंने बिरयानी ट्राई की है, दाल चावल ट्राई किए, हम तो लॉरी हैं, या पुलाव ट्राई किया, लेकिन ये एक हमारे लिए नई चीज़। वड़ा पाव ट्राई किया या नहीं अभी तक? नहीं, अभी ट्राई तो नहीं किया, अभी आए हैं बच्चों के साथ ट्राई करने के लिए। आपने सोचा था यहाँ पर इतना रश लगा होगा? YouTube पे देखा है रश, तो वैसे ही सेम है जो YouTube पे था, तो वैसे ही सेम रश है। तो ये एक इंडियन डिश है जो पहली बार मुतारिफ़ कराई गई है, तो क्या लग रहा है कि इंडियन जो डिशेज होती हैं उनका टेस्ट अच्छा होगा कि नहीं? अभी तो ये ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा। रश से तो लग रहा है कि अच्छा है, तो लोग आ रहे हैं, वो जो है वो खाएंगे तो फिर जो है वो पता चलेगा अब टेस्ट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि वड़ा पाव जो एक इंडियन डिश है, इसका नाम बड़ा अनोखा और सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, ये बनता कैसे है? मैम ये बनता इस तरह कि एक आलू का एक वड़ा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे मसाले वगैरह ऐड किए जाते हैं। कौन से मसाले? वो सीक्रेट होते हैं जो, और उसके ऊपर जो है ना बेसन की कोटिंग की जाती है, और उसको ऑयल में फिर फ्राई किया जाता है। उसके साथ ये एक बन होता है जिसे पाव बोलते हैं, पाव को इधर स्टीम देते हैं, वड़े को पाव के अंदर डाल के उसको, उसमें कुछ सॉसेज वगैरह ऐड की जाती हैं, मसाला लगाया जाता है, फिर ये जो है ना वड़ा पाव तैयार होता है।
यहाँ पर देख रही हूँ कि लोगों का रश लगा हुआ है, ये वड़ा पाव के नाम की वजह से है कि टेस्ट की वजह से? टेस्ट की वजह से। ये एक इंडियन डिश है, तो इस इंडियन डिश को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का आइडिया ये कैसे आप लोगों के जहन में आया? जी मैम, ये मोहसिन भाई के एक दोस्त से थे इंडिया से, तो उनसे इनका रब्ता था, जिसकी वजह से ना उन्होंने एक डिश इन्होंने सीखी मोहसिन भाई ने उनसे, तो अपना इधर स्टॉल लगा के शुरू कर दिया काम। यहाँ लिंक था, भाई रहते थे, उनके लिंक से इधर आके तो काम शुरू कर दिया। इंडियन डिश हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में खूब चल रही है और पैसे भी खूब कमाए जा रहे हैं। अब इसके बाद कोई दूसरी इंडियन डिश मुतारिफ करवाने का सोचा अभी तक? बिल्कुल, हमने एक मेन्यू बनाया हुआ है, वो बहुत जल्द हमारी लाहौर पूरे अंदरूनी लाहौर में वॉल सिटी के साथ, वॉल सिटी के अंदर इस तरह ब्रांचेस बन रही हैं, और ब्रांचेस के अंदर जो है हमारा एक पूरा मेन्यू होगा जिसमें काफी ज्यादा फ्लेवर होंगे जी इंडियन डिशेज के, इसी वड़ा पाव के। मोहसिन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये रेसिपी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई थी, और अब यहाँ पर 5-6 स्टॉल्स हम देख रहे हैं कि वड़ा पाव के लगे हैं। पहले तो ये बताइए, आइडिया आप कैसे लेकर आए यहाँ पे? ये ना मेरा एक इंडियन सिख दोस्त था, ये आइडिया सारा मुझे उसने दिया था, इंडियन सिख दोस्त। इंडियन दोस्त होने का फायदा हो गया आपको? जी बिल्कुल, फायदा हो गया। कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? ये हो जाती है डेली 25-30, 35-40 इतनी हो जाती है। अरे वाह, यानी आप तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से ज्यादा यहाँ पर कमा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। मज़ीद कौन सी इंडियन डिशेज हमें देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर? और फिलहाल तो ये कर रही हैं, ये ट्रेडिशनल वड़ा पाव, चिकन वड़ा पाव, और इसके अलावा बटर वड़ा पाव। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें ये इसमें चिकन ऐड कर दें, और इसके अलावा बटर वाला, और बाकी इसके अलावा बाकी डिशें भी थोड़ी देर तक ना 1.5-2 घंटे तक शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान के कैसे भुक्कड़ आदमी है, भाई पहले तो जो है इंडिया के साथ ऐसे लड़ते थे भाई, जैसे कि इंडिया से कभी बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, लेकिन अब जो है इंडिया के ही खाने के पीछे पड़े हुए हैं, और इंडिया में जो वड़ा पाव होता है भाई उसके पीछे पड़े हुए हैं, और चाहते हैं कि हम भी जो है ये खाएं, और कैसे वो इंडिया में ही आना चाहते हैं और इंडिया का खाना खाना चाहते हैं। अभी पहले तो बकरे खाते थे, मुर्गी बकरे ये सब खाते थे, और अब जो है उन लोगों ने ये सब छोड़ दिया, अब जो है इंडिया के खाने के पीछे पड़ गए। तो भाई कितने लालची आदमी अभी पाकिस्तान के, कितने घटिया है। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।